हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लेट नाइट न्यूज़ देने के पीछे एक ही कारण है और वो मुख्य कारण ये है कि बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को लेकर आया हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट के में लीगल टीम की अपडेट अभी अभी रिसेंटली मिली है सचिवालय से, और सचिवालय उन्होंने आज वहाँ पे भ्रमण किया और लीगल टीम के प्रमुख सदस्य वहाँ पे मिले जुले, गणेश सर से मिले, बातचीत जो हुई वो सारी चीज़ें डिटेलिंग बातचीत करूँगा इसमें। और जो सरकार के डबल बेंच में जाने की आप लोग वेट कर रहे थे उसके बारे में ही न्यूज़ लेकर आया हूँ कि अपील जो करने की 20 मई को थी वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट होती हुई नज़र आती हुई, तो इसको पूरा हम लोग बातचीत करेंगे लीगल टीम के अपडेट से। तो पूरी न्यूज़ सबसे पहले आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और हमसे जुड़े रहिए ताकि सारी कोर्ट अपडेट आप पाते रहें हमसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पोस्ट है और सर्वेश प्रताप जी की पोस्ट है। मेरे अंदर ये है कि मैं ऑथेंटिकेट किसी चीज़ को करता हूँ, किसी के द्वारा ही पोस्ट करता हूँ की चीज़ों को। मैं ये नहीं कि थंबनेल बना के कोई चीज़ बोलूँ उसके पीछे, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं, सबकी अपनी अपनी ब्रीफिंग होती है कैसे कोई हिसाब से देता है। तो सर्वेश जी ने अभी रिसेंटली पोस्ट किया है कि स्पेशल अपील, और सर्वेश जी के बारे में तो आप लोग लगातार जानते ही होंगे, फिर लेकिन पुनः बता दूँ, सर्वेश जी बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं आपके बीटीसी लीगल टीम के, और 2015 बैच बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, कार्य कुशल हैं, बहुत प्रमुखता से सक्रिय भागीदारी अपनी निभाते हैं। इन्होंने लिखा है कि आज बेसिक शिक्षा निदेशालय जो कि राजपत्रित अवकाश के कारण बंद रहना था लेकिन विशेष परिस्थितियों कार्यों के कारण आज खुला था। संयुक्त शिक्षा निदेशक जी से विस्तृत वार्ता के उपरांत यह पता चला है कि सरकार द्वारा 69,000 भर्ती के मामले में तैयार की गई स्पेशल अपील का गहन अध्ययन करने के लिए शुक्रवार को महाधिवक्ता महोदय द्वारा मंगवाया गया था। जी हाँ, और अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल अपील का गहन एवं विस्तृत अध्ययन कर लिया गया है तथा यह स्पेशल अपील सोमवार दिनांक 20/5/2019 को हर परिस्थिति में दाखिल कर दी जाएगी, जैसा आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था और वैसा ही रिसेंटली भी देखने को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लीगल टीम कि आप लोग लगातार अपनी सक्रियता भागीदारी दिखा रहे हैं और बहुत मजबूती से आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आगे है कि राज्य सरकार द्वारा दाखिल अपील की सुनवाई बृहस्पतिवार 23/5/2019 को हमारे द्वारा दाखिल स्पेशल अपीलों के साथ माननीय चीफ जस्टिस जी की कोर्ट में होगी थी। इससे ये भी ऑथेंटिकेट होता है कि हमने जो इसके पहले न्यूज़ दी है चीफ जस्टिस जी की कोर्ट में, माननीय जो चीफ जस्टिस कौन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के गोविंद माथुर जी, उनकी पीठ में ये सुनवाई होने वाली है। और आगे इसमें है, इन्होंने लिखा है कि हमारी स्पेशल अपीलों पर अधिवक्ता अमित भदौरिया जी द्वारा दिए गए आपके ऑब्जेक्शन का रिप्लाई तैयार कर लिया गया है। साथ ही विपक्ष के एक और अधिवक्ता हिमांशु राघव जी द्वारा दाखिल इम्प्लीडमेंट और ऑब्जेक्शन दोनों का जवाब भी तैयार कर दिया गया है, जिसे सोमवार को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। इसको भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि जो आपकी ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद विपक्षी ने ऑब्जेक्शन जो फाइल की है उसके बाद जो आप लोगों को टाइम मिला है 3 दिन का रिजॉइंटर दाखिल करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो तैयारी पूरी ही हो चुकी है और ये सोमवार को ये भी दाखिल हो जाएगी। तो यहाँ दो चीज़ें आपको सोमवार को देखने को मिलेंगी, एक तो सरकार की जो स्पेशल अपील है वो दाखिल होगी जो हम लोग सोच रहे हैं डबल बेंच में कब जाएगी सरकार, और दूसरी न्यूज़ लीगल टीम की तरफ से रिजॉइंटर जो दाखिल करना है, तो इम्प्लीडमेंट और ऑब्जेक्शन दोनों का जवाब भी तैयार कर दिया जा चुका है। कल रविवार को सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी जी और मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो एसके कालिया सर हैं उनकी सुनवाई के पूर्व जो ब्रीफिंग की जानी है, और आप सभी निश्चिंत रहें, प्रभु सब पे, सब लोग अपने अपने प्रभु को, सब लोग अपने अपने भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी पूर्ण सुनवाई हो और मेहनतियों के साथ कहीं ना कहीं सफलता के अग्रसर में उनका साथ दें, मेहनतियों के साथ जो भी मेहनत किए उनके साथ सही फैसला है। तो 23 मई को जो चीफ जस्टिस कोर्ट में होनी है, आपको अब तक जो भी सुनवाई है उसके बेहतरीन सुनवाई देखने को मिलेगी, ये तो पूर्ण आशा भी यही है कि 23 तारीख को कहीं ना कहीं अच्छी सुनवाई देखने को मिले। बाकी सब लोग अपने अपने विश्वास रखिए, और एक बेहद सुखदपूर्ण न्यूज़ थी, लीगल टीम तो रिजॉइंडर दाखिल करेगी, कहीं ना कहीं सरकार भी 20 तारीख को जो अपने बात पे दिख रही थी वो कहीं ना कहीं इससे तो स्पष्ट है कि 20 तारीख को देखने को मिलेगा, लेकिन सोमवार को जो भी लीगल अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सोने से पहले मुस्कुरा जरूर दीजिएगा और मुस्कुराते हुए सोइएगा ताकि कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आपको मिले।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार बांटते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।